हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों। आज मतलब माहौल पूरा बदला हुआ है प्रदेश का और छात्र जो है अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। और इस बीच में एक ऐसी खबर निकल के आती है जिसे बहुत सारे साथी ट्वीट करते हैं और इसमें जो है ये लिखा हुआ है कि भर्ती में हुई गड़बड़ियों को लेकर के आयोग जो है बोर्ड जो है वो रिपोर्ट सौंपेगा सेक्रेटरीट को और परीक्षा रद्द की जा सकती है, ऐसी एक सूचना है। अब इसको लेकर के सब अलग अलग अटकलें लगा रहे थे, किसी ने ये भी कहा कि कृपया इस खबर को कंफर्म कीजिए, तो इसको कंफर्म आज मैं करूँगा क्योंकि मेरी बात हुई है आज बहुत ही ऑथेंटिक सक्षम अधिकारी से और उन्होंने मुझे सारी बातें बताई हैं इसके बारे में। मैंने ये भेजा भी था कि सर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो इसके बारे में आप सबको आज जानकारी मिल जाएगी और ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ एक और चीज़ ये है कि अब जो है दो गुटों में बढ़कर आप जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड साथी कुछ नॉट सेलेक्टेड साथी, FIR का सिलसिला चल रहा है, रिटर्न पत्र लिखे जा रहे हैं, आपस में मत लड़ो। क्योंकि देखो सेलेक्टेड साथियों, तुम लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये अनसेलेक्टेड साथी जो लगातार इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं ना, अगर ये ना होते तो आज तुम्हारी जो है ना मतलब आज तुम्हारे चयन का जो है ना वो प्रतिशत बढ़ गया है, क्योंकि इनकी आवाज़ ही थी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन को इतना धार दिया और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए और बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। अगर ये बच्चे चुप हो जाते ना तो तुम्हारे लिए कंपटीशन का लेवल इतना ऊपर रहता कि तुम नीचे नहीं आ पाते। और देखो मैं ठीक है तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन किसी की मेहनत को तुम इस तरीके से टॉलरेट नहीं कर सकते, इस तरीके से गालियाँ नहीं दे सकते। अगर किसी ने तुम्हारे लिए अच्छा किया है तो तुम्हें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी सेलेक्टेड साथी किसी भी नॉट सेलेक्टेड साथी को ना ही कमेंट करे और ना ही अपशब्द लिखे, ना ही किसी यूट्यूब चैनल को कुछ उल्टा सीधा बोले, क्योंकि अल्टीमेट ये इन्वेस्टिगेशन जब भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, इसका फ़ायदा तुमको हो रहा है, तुम्हारी मेरिट नीचे जाएगी। ऊपर के जितने भी गलत लोग हैं ना वो अब डर से नहीं जा रहे हैं, तो आपको सीटें बच के मिलेंगी, मेरिट आपके लिए कम होगी। और ये रास्ता आपके लिए इन साथियों ने, इन नॉट सेलेक्टेड साथियों ने लगातार आंदोलन करके किया है, इसलिए आप उनके प्रति ऋणी रहें, आभारी रहें। इस तरीके से आप ये FIR और काउंटर FIR का सिलसिला शुरू ना करें, एक दूसरे के ऊपर कंप्लेन और टिप्पणियाँ ना करें। मैं मानता हूँ मैं आप सबके साथ हूँ, लेकिन अगर कोई आपके लिए सही काम कर रहा है, अब वो चाहे जैसे भी हुआ हो लेकिन वो कर रहे हैं और आपको उसका फ़ायदा हो रहा है, तो आपको उसके लिए आभारी होना चाहिए। अब देखिए एक और इसके अलावा इसकी बात कर लेते हैं, और इसके अलावा एक और चीज़ ये आ रही है कि अब जो है री एग्ज़ाम और इन्वेस्टिगेशन में भी बट गए हैं बच्चे। पहले सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी, अब जो है बहुत सारे साथी जो है री एग्ज़ाम की भी बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में SIT की मांग हो रही है, ट्विटर कैंपेन का क्या निकला, बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन दरअसल ट्विटर कैंपेन का क्या हुआ है इसके बारे में मैं आप सबको ज़रूर आज जानकारी दे दूंगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप सबको बताने के लिए, तो आ जाते हैं सबसे पहले इस ट्वीट के ऊपर। देखिए ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, मतलब ये जो देख रहे हैं आप, दरअसल मैं इसकी पुष्टि कर देता हूं क्योंकि इसमें लिखा है इसकी पुष्टि करें, दरअसल ये टोटली एक कुरफाती दिमाग की उपज है और किसी ने ऐसा एक लिख करके निकाल दिया, सुगुफा छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आज मेरी बात एक सक्षम अधिकारी से हुई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और सरकार इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में है ही नहीं, ये भी बात मैं आपको बता दूं। हाँ न्यायालय सर ने ये भी कहा कि अगर न्यायालय से कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी, अपनी तरफ से उसको जितनी जांच करनी है वो कर लेगी, लेकिन रद्द नहीं होने वाला है अभी तक का, मतलब आज तक का सरकार का यही स्टैंड है, ये मैं आप सबको क्लियर बता दूँ। इन्वेस्टिगेशन की SIT की बात और जो ट्विटर कैंपेन की गई, अब मतलब ये तो थोड़ा सा मुझे भी स्लाइटली लग रहा है कि सरकार का ये स्टैंड थोड़ा सा टफ ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही हार्ड कोर हो रहा है, क्योंकि अगर बच्चे इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं और तो और उन्हें डाउट भी है और आप पकड़ भी रहे हैं, ऐसे लोगों को लगातार पकड़ रहे हैं, आपके SSP ट्वीट कर रहे हैं कि हाँ भाई पकड़ रहे हैं, तो आपको जांच करा लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के मन से भ्रम भी निकल जाएगा और बच्चे आप पर भरोसा भी करेंगे। तो अगर लगातार आप खुद देख रहे हैं गड़बड़ियाँ पकड़ रहे हैं, तो आप SIT टीम क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि मुझे जो सूचना है SIT नहीं बनेगी, ऐसी कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। दरअसल बात यह है कि एक क्लियर सी बात यह है कि कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं और जो उन्हें लगता है सही वो कर रहे हैं, ये है सच्चाई। अब आपको किस तरीके से इसको लेना है और किस तरीके से दोनों पक्ष अपनी अपनी चीज़ों को ले लें, समझ लें, मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, मैं बस आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गई चीज़। अब एक और सूचना आई है मेरे पास, देखिए मुझे और एक बात बताई गई है कि कुछ सेलेक्टेड साथियों ने जो है
FIR करना शुरू कर दिया है कुछ अलग अलग YouTubes के ऊपर, YouTube चैनल्स के ऊपर अलग अलग थानों में FIR की जा रही है, नामजद FIR करवाई जा रही है, रिपोर्ट लिखित शिकायतें दी जा रही हैं, हालांकि FIR नहीं हुई, लिखित शिकायत दी गई है दो थाने में, एक तो ये है थाना लखनऊ का गोमती नगर, ये लिखित शिकायत दी जा रही है कुछ YouTube चैनल्स के नापे। देखो ये सिलसिला बंद कर दो, ये गलत है। कोई भी है अगर वो अपनी बात रख रहा है, उसका अपना आइडियोलॉजी है ना, है ना, उसको लगता है कि वो भर्ती ये गलत हुई है तो वो आवाज़ उठा रहा है, उसके लिए कंप्लेन करने का क्या मतलब है ना। तुम आज सेलेक्टेड हो तो तुम कुछ भी थोड़ी करोगे, इसलिए ऐसी चीज़ों से तुम लोग बचो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये सही नहीं है। उसकी भी राइट टू स्पीच है, वो जो बोल रहा है उसका काम है बोलना, आप ऐसे FIR वगैरह की चीज़ें ना करो, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, पहली चीज़। दूसरी एक और बात कि बहुत सारे तुम सेलेक्टेड बच्चे जो हो ना लगातार लोगों को ट्रेल करने पर आ गए, तुम भी फ्रस्ट्रेट हो गए, मैं समझ रहा हूँ, ऐसा ना करो। कल ही मैंने देखा मेरे एक आइडियोलॉजिकली डिफरेंट मेरा एक साथी है, जीतेंगे करके एक YouTube चैनल है उससे, और वो हमेशा से इन्वेस्टिगेशन की मांग करते रहे हैं और उनको बहुत सारा ट्रोल का सामना करना पड़ता है, उसको कुछ FIR की धमकियां मिल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ना करो। बंदा वो सही है, ठीक है, उसकी अपनी सोच है, वो अपनी बात रखता है, लेकिन उसने कभी भी एग्ज़ाम की बात नहीं करी है, वो हमेशा इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, है ना। तो किसी को इस तरीके से ट्रोल मत करो, कल मुझे भी लोग ट्रोल करेंगे ना, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर मैं भी हट जाऊंगा। ऐसा तोड़ना नहीं है ना, आपको जोड़ के चलना है, क्योंकि आप उनके उनके साथ हो, और वो बंदा हमेशा ना सही बात करता है, तुम नोटिस करो, भले तुम्हारा लगता है लेकिन वो बात सही करता है, इसलिए उसके खिलाफ ना बोलो, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं भावनात्मक तौर पर उसका समर्थन करता हूँ, कि मैं ये खुल के बता रहा हूँ, उनकी बातें मुझे अच्छी लगती है, अटल जी की कविता अच्छी लगती है, और ये मेरा संदेश है आपके लिए कि मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके साथ हूँ, हाँ इस मामले में नहीं हूँ, मैंने आपको पहले बताया था। एक और चीज़ देखिए, एक मिनट, हाँ एक और चीज़ ये है कि हमारे केस की आज सुनवाई भी थी, आप देख सकते हैं, लेकिन आज बार काउंसिल जो था वो बंद था, आज वकीलों की हड़ताल थी, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो अब कल सुनवाई अगर होती है तो आप सबके बीच में आएंगी। तो आप लोग एकदम से परेशान ना हो, ये ट्वीट का खंडन करना था, और ये FIR वगैरह का काम मत करो, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई मत करो, ऐसे लीगली मत लड़ाई करो, इन्वेस्टिगेशन अच्छी चीज़ है, चाहे जो भी करवाए उसको करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नुकसान नहीं होगा।